उसको क्या बोलते हैं, डेविल आई। कोई किसी को स्कूटी सिखा रहा था, ठीक है, कंट्रोल नहीं है तो सीधा गाड़ी की साइड पे। लेकिन एक चीज है, सीट कवर तो शायद चेंज कर रही है। सीट कवर नहीं है, अभी कंपनी वाली है। कंपनी से आते हैं ऐसे? ऑफ रोड हो रहा है बलिनों के साथ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल है सबका? ठीक है। कुछ ऐसा बताओ कि जिससे वीडियो की ना नए ढंग से शुरुआत हो पाए, समझ रहे? चलो छोड़ो, मेरे इंट्रो को छोड़ते हैं और आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो मसला है ऐसा, बारिश हो रही थी, फिर बारिश रुकी, तो मैंने भाई साहब को कॉल करा। मैंने कहा आज आपकी गाड़ी का ना शूट करेंगे। तो उन्होंने कहा चलो मैं आता हूं। तो जब मैं से मैं बाहर निकला तो बारिश फिर से चालू हो गई। इस बारिश में क्या रिव्यू शूट होगा, क्या होगा? भाई ये जो बाहर आ चुके हैं तो उनसे मिलते हैं, छाता लेके मेन रोड तक जाते हैं। और ये हमारा छातू है, मतलब क्वालिटी इसकी भी ठीक नहीं है, इससे पानी अंदर आता, छाता भी टप टप करता। पहले सुबह से क्या है, लाइट ही नहीं थी, फिर लाइट आई तो एडिट वेडिट करते करते भी लेट हो जाते हैं। तो चलो ठीक है, कोई नहीं, मसले चलते रहते हैं। ये पिछली बार एक मॉडिफाइड गाड़ी दिखाई थी आपको, तो आपको मजा आया था, तो मैंने सोचा इस बार एक और ट्राई मारते हैं। जम्मू में क्या है, ऐसा होता है ना, किसी जगह बारिश होती है, किसी जगह नहीं होती है। तो अगर कहीं जाएंगे देखेंगे आगे पीछे। ओह कॉल आ गई उनकी। तो जी गाड़ी आपको दिख रही है हमारे सामने, क्या बात है। मसला है ऐसा कि गाड़ी की क्लियरेंस काफ़ी कम है, आ गई है। ओके नो इश्यूज, चलिए जी। क्योंकि लास्ट टाइम जो स्विफ्ट आई थी वो यहाँ पे लग गई थी। बाकी गाड़ी का लुक्स तो आप देख ही रहे हो। इधर फिर आपको दिख रहा है कंकरी पड़ी हुई है, देखो रुको। यहाँ पे टायर जो है स्पिन कर रहा है। भाई के पास ना एक शॉवल पड़ा था, छोटा सा ही है ये शॉवल, इससे क्या है कि थोड़ी सी साइड करेंगे। इस शॉवल से हमने जो है क्लियर कर दिया मसला। एंड अब चलिए। तो भाई इधर भी वाटर क्रॉसिंग, मेरी लोकेशन में तो गाड़ी घुसाना भी बहुत मुश्किल हो गया। फाइनली वी आर हियर। थार लगी हुई है, फिर ये गाड़ी भी लगी है, तो यहाँ ना उतना अच्छा व्यू नहीं आ पाएगा। यहाँ ये जगह खाली है तो यहाँ पे लगाएंगे गाड़ी। सबसे पहले तो भाई गाड़ी के ओनर से आपको मिलवाते हैं। तो यहाँ है ईशान भाई, क्या हाल चाल है? ठीक हो? मैंने ये सोच रखा था कि गाड़ी का जो सीधा जब पहुंचेगी तो तभी शुरू करेंगे, लेकिन एग्जॉस्ट जो है वो आपने इसका ऑलरेडी सुन लिया है। ज्यादा बातें नहीं करते हुए हर एक चीज जो है वो आपको डिटेल में बताना शुरू करते हैं, और बाकी जो लुक्स वुक्स हैं वो तो आपको देखने में दिख ही रही हैं। भाई ये मॉडल कौन सा है, ईयर कौन सा है? बलिनो आरएस है, 2017 एंडिंग का मॉडल है, और ये पहली बलिनो आरएस थी जेएनके की। तो आपको लग नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने फ्रंट बम्पर चेंज कराया हुआ है। एक्चुअली जो बलिनो आरएस थी उसमें कुछ कंपनी की तरफ से भी अलग चीजें आती थी ना, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल है इसका। जैसे जो बलिनो आरएस है और जो नॉर्मल बलिनो है उनमें क्या मतलब फर्क आ गया? बलिनो का स्पोर्ट्स मॉडल टाइप है, जैसे N9 आती है I20 की। बट अभी क्या है कि आपने लुक्स में इसको नॉर्मल बलिनो जैसा ही कर दिया, मतलब फ्रंट बम्पर पसंद नहीं था एक्चुअली। अच्छा, मैंने इसको नॉर्मल बलिनो वाला डाल के नीचे फाइबर की कटिंग्स लगा दी है। जैसे आप फ्रंट में देख रहे हो अपने, ग्रिल भी चेंज की है, मेश ग्रिल लगी हुई है, और ये जो बम्पर है ये भी फाइबर का बना हुआ है, बट ये टूट गया हुआ थोड़ा, क्योंकि गाड़ी लोड है तो बचती रहती नीचे से। प्लान है कि बम्पर्स चेंज ही होंगे इसके सारे। उसके बाद जो है हेडलाइट्स कस्टम करवाई हुई थी मैंने क्रिएटिव ऑटो वर्क से, जम्मू से। बलिनो की प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं ये, मैंने ब्लैक एंड आउट कराया हुआ पूरा, बीच में डेविल आई कराई, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके डेविल आई, क्या बात है। इसको क्या बोलते हैं, डेविल आई? देखने में लग रही है किसी राक्षस की आंख है, लाल रंग की। और भी मॉडल आते हैं जैसे कि फोन से आप कंट्रोल हो जाती है, बट मेरा ये सिंगल है। जो इसका क्लीयरेंस कम है, शॉकर करेंगे क्या किया है? स्प्रिंग चेंज हुए, कोबरा लोअरिंग स्प्रिंग्स लगे हैं इसमें। लुक्स वाइज भी ये बेटर हो जाते हैं, एंड हैंडलिंग वाइज तो परफॉर्मेंस बढ़ती है, क्योंकि गाड़ी देखो काफी ज्यादा लोड हो चुकी है। ये आपको दिख गया इसके कोबरा लोडिंग के ब्रांड तो काफी आते हैं। कुछ फ्रंट लुक की बात, ये टोइंग पॉइंट है,
ये लुक्स में भी अच्छा लगता है, तो 2-in-1 काम चलता है। अब हम आ चुके हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ, लेकिन साइड लुक में एक चीज जो मुझे सबसे पहले नोटिस में आई है, ईशान भाई ये क्या किया है आपने? आपने किया है कि हो गया? हो गया है, गाड़ी मेरी खड़ी हुई थी, कोई किसी को स्कूटी सिखा रहा था, ठीक है, कंट्रोल नहीं है तो सीधा गाड़ी की साइड पे आ गया। ओहो, तो देखिए यार, मतलब आपकी खुद की गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इमोशनल डैमेज झेलना पड़ता है। ऐसे तो पेंट करवा नहीं सकते, मतलब इस मौसम में क्या है, पेंट सूखता ही नहीं है। जैसे हम साइड प्रोफाइल की बात कर रहे थे, पहली चीज आ गई इसके जो हमें रिम्स मतलब अलॉयज और टायर्स दिख रहे हैं, कौन से अलॉयज हैं ये? PDW के अलॉयज हैं, थाईलैंड से इंपोर्ट करवाए थे, ये रेट्रो टाइप लुक देते हैं गाड़ी को, बट ये भी मैं चेंज करवाऊंगा, ये 16 इंचेस है, मेरे को 17 चाहिए। PDW है ना, डीप डिश व्हील बोलते हैं ना, इस तरह के अलॉयज कॉमन नहीं है। अभी आपको वैसा दिख नहीं पा रहा होगा, लेकिन ये डुअल टोन है, जैसे ये जो है आपको ये सिल्वर दिख रहा है ना, तो टायर जो है ये ट्रायंगल के टायर है, ये मैंने तभी लगवाए थे उस टाइम पे, ट्रायंगल का काफी ज्यादा इन, और नहीं मुझे पैटर्न भी अच्छा लग रहा है इसका, मतलब पैटर्न भी आप देख सकते हो अच्छा लग रहा है। 17 का अपग्रेड करूंगा तो टायर भी मैं, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज अब मैं ज्यादा इस गाड़ी को रेडी करवा रहा हूँ, तो मिशलिन वगैरह या किसी पे जाएंगे देख। तो अब चलते हैं गाड़ी के पीछे वाली तरफ, और यहाँ पे आप देख रहे हो अट्रैक्टिव चीज आपको दिख रही है, वो है इस गाड़ी की टेल लाइट्स। वीलैंड टाइप में एक ब्रांड आता है उसकी है ये। ये इसका आ गया LED सेटअप, ब्रेक का आ गया, ये इंडिकेटर आ गया, मैट्रिक्स इंडिकेटर, तो ये कुछ इस तरह से आपको इंडिकेटर आ गया, काफी अच्छे से दिख रहे हैं। इसके बाद जो ये पीछे वाले रिफ्लेक्टर है, ये भी आफ्टरमार्केट रिफ्लेक्टर है, और जो बम्पर पर है ये RS का आता है। RS का मतलब ही शायद रेसिंग स्पोर्ट्स। डिफरेंस ये कि मैंने ये जो है ये ब्लैक में पेंट करवाया हुआ है, ग्लॉस ब्लैक में आता है, ये भी बॉडी कलर में ही है। बट उसके बाद सबसे मेन चीज है एग्जॉस्ट है, जैसे अभी गाड़ी आ रही थी तो आपने आवाज भी सुनी इसकी, रिमस का वाल्व टॉनिक एंड क्या है, डाउन पाइप लगी हुई है स्टेनलेस स्टील की 304 ग्रेड में, जो सबसे टॉप में आती है, फिर मिड पाइपिंग है वो भी 304 ग्रेड की है, स्टेनलेस स्टील और फुल सिस्टम लगा हुआ है, गाड़ी स्टेज 2+3 मैप्ड है बाय कोड 6। नहीं मुझे बताओ, ये तो बड़ी सारी स्पेसिफिकेशन होगी भाई साहब, ये हमें नहीं समझ आया, लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब है कि फुल पावर सुना देते। ये राउंड अबाउट ये 140 होगी ये BHP, 250 होगी इसकी NM होगी। निचली कितना BHP आता है इसका? 102-103 आता है, बट जैसे मैंने फिल्टर और डाउन पाइप चेंज करवाई थी पहले उसके बाद मेरी 107 या 108 होगी हुई थी इसकी BHP, उसके बाद रीमैप्ड करवाया तो 140+ होगी। एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं फिर एक बारी। मुझे लग रहा है लोग सारे जो हैं घरों से बाहर आ जाने वाले हैं। ये डाउन पाइप लगी है स्टेनलेस स्टील की, ठीक है, जो फिल्टर है वो इसके पीछे है, यहाँ पे फिल्टर रहता है, जो मैंने फिल्टर यूज किया होगा वो ब्लिट्स कंपनी का फिल्टर है, वो भी जापान से इंपोर्ट करवाया था। अभी क्या है कि आपको बाहर बाहर से जो है सारा बता दिया, तो अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर है ऑलमोस्ट स्टॉक डी है, ये सिर्फ अपग्रेड किए हुए हैं, रूफ है वो मैंने अल्कांटारा ये वेलवेट जिसको बोलते हैं करवाया हुआ था, बट ड्यू टू सम इशू वो मेरे को उतरवाना पड़ा। लेकिन एक चीज है, सीट कवर तो शायद चेंज कर रही है? सीट कवर नहीं है, अभी कंपनी वाली है, कंपनी से आते हैं ऐसे, देख रहे हो कंपनी की तरफ से ऐसे सीट कवर, मुझे लगा ये आफ्टर मार्केट होंगे। और एक और चीज बता दें, जैसे जब भी किसी गाड़ी में एग्जॉस्ट लगता है तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हमें उसे एक्टिवेट करना है, हाँ, उसका बेसिकली आता है रिमोट, जो मोटर है उसमें कोई इशू आ गया था तो जुगाड़ लगवा के यहाँ पे रिमोट करवा दिया हुआ है, ये ऑफ पे है, ऑफ पे भी आएंगे। अच्छा जी, ऑलमोस्ट जो है हर एक चीज हमने वो गाड़ी की कवर कर ही ली है। ब्रेक पैड्स अपग्रेड है इसके, डिक्सल जापान ES टाइप के ब्रेक पैड्स हैं। अपनी 140 की हॉर्स पावर है, और इस गाड़ी को रोकने के लिए भी तो है, उसके लिए ब्रेकिंग इंपॉर्टेंट है। इसका और नॉर्मल ब्लिनो का उस टाइम कितना फर्क था? 6 लाख से वो स्टार्ट हो जाती थी, और IS वो 8-8.5 तक आती थी, ठीक है, बट ये मेरे को जब पड़ी थी 2017 की, मेरे को पड़ी थी अराउंड 10:30-11 की पड़ गई थी। लगे हैं और जो कंपोनेंट्स लगाए हैं वो मैंने लगाए हैं Avatar ऑडियो के CBR 620 करके जो आते हैं, वो SQL लेवल सेटअप मैंने रखा हुआ था पहले, बट एग्जॉस्ट सुनना होता है तो बेस उतारनी पड़ी। जो पीछे हैं वो कोएक्सियल्स लगे हुए हैं पाइनियर के, और जो एम्पलीफायर है ये मोनो एम्प लगा हुआ है यहाँ पे। ओके, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये Avatar ऑडियो का लगा हुआ है मोनो एम्प, ठीक है, ठीक। एग्जॉस्ट काफी ज्यादा लाउड है, एक रिएक्शन वीडियो जो है हम वो शूट करने के लिए बाहर तक जाएंगे, पर गाड़ी कितनी प्यारी लग रही है, नहीं डेविल आई सबसे सही चीज लगी। टायर देख रहे हो कैसे स्पिन कर रहा है, ऑफ रोड हो रहा है ब्लिनो के साथ। Yeah.
चुकी है आज की हमारी वीडियो शूट, और मेन चीज मैं आपको जो दिखाना भूल गया, ठीक है, ये आपको दिख रही है हमारी बलिनो, और ये जो है इसका नाम है इलेस्ट। इलेस्ट माने डेंजरस। अभी व्हील्स के बम्पर के तो अभी परफॉर्मेंस वाइज ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बट देखते हैं अब बम्पर्स का, क्योंकि फाइबर के बम्पर है तो टाइम लगता है। अभी मौसम ऐसा है तो देखते हैं कम टाइम मिलता है तो फिर से शूट करेंगे इस गाड़ी का। कोई नहीं पक्का, तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन। ओके जी, ओके ओके। जैसा कि वीडियो में मैंने आपको पूरा बैठ के बारे में बताया था, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, प्ले रिस्पॉन्सिबिली एंड अर्न मनी। But don't waste my life, you spend. Try your luck, who gets there now? Have the best, cause in the game is win. For a bet.